उनके दिल की बात जो वो आपसे कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। हमारा रीयूनियन ज़रूर होगा, आई प्रॉमिस। अगर आप अभी दूर दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं, या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में आप चल रहे हैं, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका रीयूनियन ज़रूर से होगा। वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप वो आपसे मिलेंगे। मुझे अब पता चला कि तुम मेरी कितनी केयर करती हो। जब आप उनसे दूर हो गए, जब आपने उनकी केयर करना बंद कर दी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तब उनको ये पता चला है कि आप उनकी कितनी केयर करती थी, आप उनके लिए कितना सोचती थी। अब उसको उनको पता चला है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें ही सज़ा मिली। और वो अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि जो भी गलती की है वो आपने की है, और उन्होंने आप ही को ब्लेम किया, और उसकी सज़ा भी उन्होंने आप ही को दी। जो भी मैनिपुलेशन हुए थे या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के रिलेशन्स में, उसका उनको ऐसा लगता था कि आपकी वजह से हुई है, और वो आपको उसकी सजा देते थे या उसके लिए आपको ही गुनहगार समझते थे। लेकिन आज उनको ये पता चला है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आज उनको रियलाइज़ हो चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी। हो सकता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जहाँ पर वो आपके हिडन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको हिट करने के लिए आए हों, ट्रिगर करने के लिए आए हों। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, आप DF हैं, आप बाहर निकल के आ रहे हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, और ये चीज़ आपको सिखाने के लिए ही वो आपको ट्रिगर कर रहे थे। थैंक यू।